वेलकम अगेन स्टूडेंट, दिस इज माई थर्ड वीडियो ऑफ दिस चैप्टर। ओके, प्रीवियस चैप्टर में मैंने आपको ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के बारे में पढ़ाया था, तो आइए इस टॉपिक को कंप्लीट करते हैं। द क्लाइमेट कंडीशन ऑफ द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट सपोर्टिंग इनमच नंबर एंड वैरायटी ऑफ एनिमल्स। सिंस द नंबर ऑफ एनिमल्स आर लार्ज, देर इज इनफ कॉम्पिटिशन फॉर फूड एंड शेल्टर अमॉन्ग देम। एनिमल्स देयर फॉर हैव डेवलप्ड स्पेशल फीचर्स टू लिव सक्सेसफुली इन देयर फॉरेस्ट। क्लाइमेट कंडीशन जो है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का सपोर्ट करता है नंबर ऑफ वैरायटी ऑफ एनिमल्स का। वहाँ पे एनिमल्स काफी लार्ज नंबर में है, तो काफी टफ कॉम्पिटिशन होता है फूड और शेल्टर को वहाँ पे आपस में बांटने के लिए। एनिमल्स में काफ़ी डेवलप स्पेशल फीचर्स होते हैं ताकि वो फॉरेस्ट में इजीली रह सकें। मैनी एनिमल्स इन दिस फॉरेस्ट आर एडाप्टेड टू लिव ऑन ट्रीज। सच एनिमल्स आर कॉल्ड एरबोरियल एनिमल्स। मंकी हैव अ लॉन्ग एंड प्रीहेंसिल टेल्स फॉर ग्रास्पिंग ब्रांचेस, देयर क्लॉज एंड ऑल्सो मॉडिफाइड टू होल्ड ऑन दी ब्रांचेस। बहुत से एनिमल्स उस फॉरेस्ट में एडाप्ट होते हैं ताकि वो पेड़ों पर रह सकें। ठीक है, कुछ एनिमल जो एनिमल्स पेड़ों पर रहते हैं उनको अर्बोरियल एनिमल्स कहते हैं। मंकी के जो लॉन्ग प्रेनेंशियल टेल है वो ब्रांचेस को ग्रैप करने के लिए हेल्प करते हैं। उनके क्लॉज ब्रांचेस को पकड़ के रहने के लिए हेल्प करते हैं। ठीक है, मैनी फ्रॉग्स इन दिस फॉरेस्ट हैव स्टिकी पैड्स ऑन देयर फीट, दिस हेल्प देम टू क्लाइम एंड क्लिंग टू द ट्रीज। द रेड आई फ्रॉग इज एन एक्सेलेंट एग्जांपल ऑफ दिस काइंड ऑफ फ्रॉग। बहुत सारी फ्रॉग इस फॉरेस्ट की स्टिकी, मतलब उनकी जो फीट है वो काफी स्टिकी होते हैं, जिनकी मदद से वो आराम से पेड़ों पर चढ़ सके और पूछ सकते हैं। उनकी जो रेड आई होती है फ्रॉग की, ये एक्सीलेंट एग्जाम्पल होता है इस तरह के फ्रॉग को देखने के लिए। मेनी रेन फॉरेस्ट एनिमल्स कैन ग्लाइड थ्रू द ट्री टॉप, दिस इंक्लूडिंग ग्लाइडिंग गेकोस एंड फ्लाइंग स्क्वायरल। बहुत से रेन फॉरेस्ट एनिमल्स ग्लाइड करते हैं ट्री टॉप्स में, ये कुछ ऐसे ग्लाइडिंग गेकोस और फ्लाइंग स्क्वायरल। ठीक है, रेन फॉरेस्ट बटरफ्लाइज एंड मॉथ्स आर ऑफन बिग एंड विविडली कलर, दिस इंक्लूड्स द सिम्बरिंग ब्लू मॉर्फो विद ब्राजील एंड बर्डविंग बटरफ्लाइज। लेमर्स, लोराइज एंड बुश बेबीज आर नॉक्चुरल प्राइमेट लाइक मंकीज, दे हैव अ बिग आई विच हेल्प देम टू सी इन द डार्क, दे आल्सो हैव वेरी सेंसिटिव हियरिंग टू रन अवे फ्रॉम द प्रेडेटर। लेमर, लोराइज एंड बुश बेबीज जो होते हैं वो नॉक्चुरल प्राइमेट होते हैं मंकी की तरह। उनके बड़े बड़े आंख उनको हेल्प करते हैं अंधेरे में भी देखने के लिए, और काफी सेंसिटिव उनके सुनने का जो होता है सेंसिंग ऑफ द हियरिंग, वो काफी सेंसिटिव होता है, जिसकी मदद से वो बच पाते हैं दुश्मनों से। द बर्ड्स इन द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर यूजुअली कलर्ड, दे इंक्लूड पैरट, टोकन एंड बर्ड्स ऑफ पैराडाइज। द टोकन हैज अ लॉन्ग लार्ज बीक, दिस हैव टू रीच द फ्रूट ऑन द ब्रांचेस विच आर अदरवाइज टू वीक टू सपोर्ट इट्स वेट। इन फैक्ट द बीक ऑफ टोकन इज लॉन्गर देन इट्स बॉडी। बर्ड ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के जो बर्ड्स होते हैं काफी कलरफुल होते हैं। ठीक है, मोस्ट ऑफ द बर्ड्स कलरफुल हैं वहाँ के, जैसे कि पैरट्स, टोकन, बर्ड्स ऑफ पैराडाइज। टोकन जो है ठीक है, जैसे कि आप देख रहे हैं टोकन जो होते हैं उनके जो बीक होते हैं काफी लंबे होते हैं, ताकि जिसकी मदद से वो फूल फ्रूट्स तक पहुंच पाते हैं। ठीक है, तो काफ़ी उनका जो वजन होता है वो काफ़ी वीक होता है। इनफैक्ट उनके जो वीक होते हैं वो उनके बॉडी से भी लंबे होते हैं। ये टोकन, यही बर्ड ऑफ पैराडाइज। मोस्ट रेन फॉरेस्ट एनिमल्स हैव शार्प आई साइट टू लोकेट फूड इन द डार्केस्ट, दे हैव थिक स्किन विद द कलर दैट ब्लेंड्स विद द सराउंडिंग, दिस हेल्प देम टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम द प्रेडेटर। ज़्यादातर रेन फॉरेस्ट एनिमल्स की जो आंखों की रोशनी होती है काफ़ी शार्प होती है, ताकि वो अंधेरे में भी देख सकते हैं फूड को। दे हैव थिक स्किन विद द कलर दैट ब्लेंड्स, उनके जो स्किन होते हैं काफ़ी कलर ब्लेंड होते हैं सराउंडिंग में, ताकि वो आराम से अपने दुश्मनों से बच सकें। एनिमल्स ऑफ इंडियन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इंक्लूड लायन टेल मंकी, मकाउज, बिगर टाइप्स एंड एनिमल। द लायन टेल मकाउ हैज अ सिल्वर वाइट मन दैट अराउंड द हिट चिक एंड चिन एज एन लाइन, इट इज अ गुड क्लाइंबर, इट मे फीड मेनली ऑन फ्रूट्स बट ऑल्सो एन्जॉय सीड्स, यंग लीव्स, फ्लावर्स एंड बर्ड्स। इट ऑल्सो लव्स इन इंसेक्ट्स अंडर द बाग ट्रीज। बहुत सी इनर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में जैसे कि लायन टेल मंकी, मकाउ, बियर डैप्स और एलिफेंट्स है। लायन टेल मकाउ एक तरह सिल्वर वाइट मेन है, जो उनका जो हेड चीक और चीन है वो इसको लायन की तरह ही एक गुड क्लाइंबर है, मतलब अच्छा चढ़ता है ये पेड़ों वगैरह पे। तो ये फीड्स ज़्यादातर ये फ्रूट्स खाता है, लेकिन सीड्स भी इंजॉय करता है, लीव्स भी इंजॉय करता है, फ्लावर्स भी, बर्ड्स भी। और इसको मतलब कि जो ट्रीज में जो बाग्स होते हैं वो उनके कीड़ों को खाना बहुत पसंद करता है। एलिमेंट्स आर एडेप्टेड टू लिव इन द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, दे हैव लार्ज फैन लाइक ईयर, लॉन्ग पॉइंटेड ट्रंक्स एंड अ लॉन्ग प्रीहेंसिल ट्रंक विद अ पिलर लाइक लेग्स। कैन यू थिंक ऑफ देयर यूज ऑफ द एलिफेंट। एलिफेंट्स भी एडेप्ट होते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में रहने के लिए। उनके जो बड़े बड़े कान हैं फैन की तरह, लॉन्ग पॉइंटेड टस्क, प्रीहेंसिल ट्रंक पिलर की तरह, ठीक है, पैर में लार्ज फैन लाइक ईयर एंड द रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर, दी स्किन ओवर देम इज थिन एंड रिचली सप्लाइड विद ब्लड टू लूज हीट एंड क्विकली। उनके जो बड़े बड़े कान होते हैं वो हेल्प करते हैं उनके बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए। उनका जो स्किन होता है काफी थीन होता है, ताकि वो ब्लड सप्लाई को आराम से सप्लाई कर सके। द टस्क आर यूज टू डिग रूट्स ऑफ प्लांट, फूड प्लांट टू डिबार्क और टू डिग ट्रीज इन टू टू गेट इनसाइड पल्प। उनके टस्क जो होते हैं वो
रूट्स को आराम प्लांट्स के रूट्स को आराम से खोद करके खा सकते हैं. द ट्रंक एक्ट एज अ ह्यूमन हैंड फॉर पिकिंग एंड होल्डिंग थिंग्स. द ट्रंक ऑफ एन एलिफेंट कैन पिक इवन अ सिंगल ब्लेड ऑफ ग्रास और अ रिप ऑफ ब्रांच ऑफ द ट्री. कैन ऑल्सो पुट फूड इन टू इन द माउथ. उनकी जो ट्रंक है बिल्कुल इंसान के हाथ की तरह हेल्प करते हैं कोई भी चीज़ को पकड़ने या पिक करने के लिए. उनके जो एलिफेंट के जो ट्रंक होते हैं वो आराम से एक सिंगल मतलब एक ग्रास का एक सिंगल हिस्सा भी पकड़ सकते हैं वो. द पिलर लाइक लेग्स प्लांट्स द बुल्की बॉडी वाइल्ड क्रूशन लाइक पैड्स ऑफ टफ ग्लिंटेशन मटेरियल्स एक्ट एज अ शॉक ऑब्जर्वर ड्यूरिंग मूविंग ऑन द ग्राउंड. पिलर लाइक उनके जो लेग्स होते हैं वो बैलेंस करते हैं उनकी भारी बॉडी को. उनके जो कुशन लाइक पैड्स होते हैं पैर के जो ये पैर के जो पैड्स होते हैं वो हेल्प करते हैं उनको चलने में जब वो चलते हैं तो उस समय. एलिफेंट्स आर वेरी इंटेलिजेंट विद द बिगेस्ट ब्रेन ऑफ ऑल लैंड एनिमल. दे ऑल्सो हैव वेरी गुड मेमोरी. एलिफेंट्स बहुत इंटेलिजेंट होते हैं और बाकी जानवरों के अकॉर्डिंग उनमें काफ़ी गुड मेमोरी मतलब वो उनकी याददाश्त बहुत अच्छी होती है. एलिफेंट कैन सेंस अ सोर्स ऑफ वाटर एट डिस्टेंस 3 किलोमीटर अवे. वो 3 किलोमीटर पीछे से ही पानी की महक को सेंस को सूंघ लेता है. एलिफेंट हैव अ ह्यूज स्टमक. दे ईट फॉर 23 आवर्स अ डे. दे नीड प्लेंटी ऑफ फूड विच दे गो फ्रॉम द रेन फॉरेस्ट. एलिफेंट्स का पेट काफ़ी बड़ा होता है इसीलिए वो तो 23 घंटे तक एक दिन में खा सकता है. वो काफ़ी उसको काफ़ी प्लेंटी ऑफ फूड की ज़रूरत होती है ताकि वो विच दे गेट उसको रेन फॉरेस्ट से मिलता है. आई होप कि आपको वीडियो समझ में आई है. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.